आज हम फिर जा रहे हैं आपको एक ऐसे पहाड़ पे लेके जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट में बारिश हो गया था, उस पहाड़ से हम वापस आ गए थे। तो आज हम उसी पहाड़ पे जाएंगे और आपको वहीं से आगे से ही दिखाएंगे उस पहाड़ पे, जो बहुत कुछ दिखाने का था लेकिन दिखा नहीं पाया, बारिश हो गया था, तो हम वापस आ गए। अभी चलो चलते हैं उस पहाड़ पे और वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। है नूर साहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से, अल्लाहु 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 अल्लाह किस तरीके की रोड होती है। और यहाँ पे देखो सामने, ये सामने देखो पूरा बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के अंदर देखो रोड जा रहा है। ये मक्के में चारों तरफ इसी तरीके से रोड बना हुआ है। और अभी देखो माशाल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ पहाड़ पे और सामने देखो माशाल्लाह ये जमजम टावर रहा, इसको मक्का को लोग भी टावर बोलते हैं, जमजम टावर ही बोलते हैं। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पहाड़ है, और इधर दिखाता हूँ आपको, इधर देखो ये पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं। और आपको हरम शरीफ दिखाता हूँ, ये सामने की तरफ ये हरम शरीफ है, आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ इधर से। और माशाल्लाह देखो कितना ज़बरदस्त प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पहाड़ों पे अभी 6-7 दिन रेगुलर बारिश हो रहा है, पूरा एक हफ्ते से बारिश हो रहा है। देखो हरी हरी घास हो गई, ये मक्के में मैं काफ़ी साल बाद देख रहा हूँ कि इतना रेगुलर बारिश हो रहा है। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह, ये रहा हरम शरीफ। और वो देखो हाजी हो वहाँ पे बस खड़ी हुई है, यहाँ पे और काम चल रहा है। और इस तरफ जन्नतुल माला है, वो वहाँ पे है, वहाँ पे मक्के का सबसे पुराना कब्रिस्तान जन्नतुल माला वो वहाँ पे है। देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और प्यारा लग रहा है। और ये हमारे इकबाल भाई ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इधर, अभी सफ़र जाने वाले हैं 2-3 दिन बाद। हमारे आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर भी दिखाता हूँ यहाँ से। वो घर दिख रहा है आपको जहाँ मेरी उंगली है, वो घर हमारे आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। अभी उसको लाइब्रेरी बना दिया, मैं इंशाल्लाह जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊँगा और पूरा एक वीडियो उसी घर के ऊपर बनाऊँगा और आपको बताऊँगा उसके बारे में। और यहाँ पे देखो ये जालियाँ लगा रखी है, ठीक है, लोग इधर आते हैं बैठे रहते हैं। इधर देखो ये गाड़ी खड़ी है, फैमिली आई हुई है तो यहाँ पे आते हैं, बच्चे भी आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे देखो जाली लगा रखी है, क्योंकि नीचे पहाड़ है, यहाँ से सीधा गिरने विरने का खतरा रहता है। यहाँ पे देखो आपको घर भी दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरफ भी लोग रहते हैं, देखो सामने हरम है। तो ये देखो घर बना हुआ है, ये थोड़ा फूटे टूटे फूटे घर है, इनको पता है कुछ टाइम बाद हो सकता है भाई ख़त्म कर देंगे, इसलिए इतने कोई ख़ास नहीं बनाया मकान, ऐसे ही ईंटों के बना के रह रहे उसमें। और माशाल्लाह कितने खुश नसीब है ये लोग, सुबह उठते ही माशाल्लाह क्या नज़ारा दिखता है इनको। ये देखो ऊपर वो बैठे हैं भाई साहब, और इस तरफ भी ये मकान है, देखो ये 2-3 मकान बने हैं इसके पास पास में बने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रास्ता भी आगे जाने का इस तरफ। इधर देखो माशाल्लाह पहाड़ों में, इधर देखो बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देखो ये पाकिस्तान के हैं, किधर गया पाकिस्तान। और ये देखो माशाल्लाह, ये देखो नज़ारा माशाल्लाह पहाड़ के ऊपर से, देखो ये देखो माशाल्लाह, वो देखो ये पहाड़ पे भी बसे हुए वहाँ पे, वहाँ तक, और वो पहाड़ पे देखो वहाँ तक। इतने भी पहाड़ है ना, ये पूरे पहाड़ों पे हम घूम चुके हैं और सबके वीडियो बना के हमने ना यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप जाइए हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखिए। और जितने भी पहाड़ है सब पे घूमे हैं, उस पहाड़ पे भी गए थे हम 2-3 दिन पहले, उसका भी वीडियो डाला हूँ और सब पे डाला हूँ। अभी इंशाल्लाह वो वाले पहाड़ का उस तरफ जाएंगे और उधर का भी वीडियो बना के डालेंगे इंशाल्लाह।
तो YouTube पे ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।